पूरा टायर बनाना, यू विल बी सेफ एंड साउंड इन योर होम। आज की ब्लॉग की शुरुआत ना बिल्कुल हैदराबाद के रेलवे स्टेशन से हो रही है। मेरे पीछे ना हैदराबाद का रेलवे स्टेशन खड़ा है, तो यहाँ पे ना हमारी बस है, तो मैं पहले बस को बोर्ड करता हूँ, फिर जाके सीधे होटल में आपको मिलता हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो चलता है। यहाँ पर ये वाली बस ना हमें होटल छोड़ेगी, चलो इसको पहले बोर्ड करते हैं। ये देखो कितने यहाँ पे, मतलब हम ना टोटल 22 यहाँ पे इंक्लूडिंग सर 22 आया है। चलो चलता है। पहले मेरे ख्याल से लगेज तो साथ ही लेना पड़ेगा, आई गेस। नहीं लगेज भी यार इसके बूट स्पेस में डालेंगे। देखो लगेज मेरा, टेक इट ब्रदर। ले लो भाई, डाल दो अंदर अंदर का बूट। तो गाइस बस को ना बोर्ड करते हैं पहले। सर शूज क्या चु बसान? शूज ना ना शूज बसान की है, थोड़ा वो आई थी थोड़ा निंद्रे मजा आई ना, मतलब निंद्रे आई नहीं कर पड़ की पर इस घर से घर। अच्छा ते में की थोड़ा बहुत बसान है, तो करो गाड़ी में ब्रेकफास्ट है। चलो चलो चलते हैं। तो गाइस चलो गाड़ी को ना पहले बोर्ड करते हैं और आपको गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे बैठते हैं कहीं पे, यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ पे वैकेंट सीट है तो मैं यहीं पे बैठता हूँ। सर मैं आपको डायरेक्टली होटल में मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस यहाँ पे ना हमारी एंट्री हो गई वहाँ पे पीछे, और अभी जाकर हम अकोमोडेशन की ओर जा रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि अकोमोडेशन कैसी होगी, ये चेक कर लो आगे से। ये मैं जूम करना ही देखा, चलो देखते हैं रूम कैसा मिलता है। हे गाइस वेलकम बैक टू दिस व्लॉग वन मोर टाइम। चलो सबसे पहले मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ कि रूम हमारा कैसा है। मेरी एंट्रेंस हमारे रूम की। हेलो हाय। बाय द वे ये देखो गाइज यहाँ पे ना हम तीन बंदे हैं और तीन बेड लगा के आप चेक कर सकते हो 1 2 3। और सबसे पहले अगर यहाँ की बात करें ना, यहाँ पे ना कुछ शेल्व्स बना के यहाँ पे अलमीरा तीन है, इनमें ना हमने लगेज रखा है अपना अपना। ये देख लो इसमें लगेज वगैरह लगा के है। और क्या बोलते हैं कि यहाँ से ना वॉशरूम है, जो कि मेरे ख्याल से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक टेबल वगैरह दे रखा है उन्होंने, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल। इसको प्लीज़ इसको देख के माइंड मत करना है ना, बेसिकली हमने जो ट्रैवलिंग के दौरान हमें जो बेसिकली ट्रैवलिंग के दौरान हमने कपड़े लगाए थे ना, तो वो हमने बाहर निकाल के रखे हैं क्योंकि इनको ना धोना है। और सबसे अच्छी चीज़ ना इस रूम की है, यहाँ ना बालकनी पे है, बालकनी पे भी जा सकते। चलो अब बालकनी की ओर जाते हैं। ये देखो ओह माय गॉड, यहाँ पे तो चेयर भी है, यहाँ पे क्या व्यू आएगा ज़बरदस्त। ये चेक कर लो, यहाँ पर किसी ने ना टॉवेल सुखाने के लिए रखी है। और वहाँ से देखो हमारे आधे और बंदे, यहाँ से देखो व्यू क्या है गाइस, यहाँ ना पेड़ ही पेड़ है। चेक कर लो वहाँ पे शायद के, चेक कर लो। और वहाँ से आप चेक कर लो वहाँ से कितनी मतलब बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना के, ये देखो फ्लैग अपने देश का। ये चेक कर लो यहाँ से गाइस, ये चेक कर लो यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के, ये चेक कर लो। ये देखो बाय द वे गाइस हम ना अभी हॉस्टल में रुके हुए हैं, इसका नाम मुझे पता नहीं है, नीचे जाके मैं कंफर्म करूँगा फिर जाके आपको बताऊँगा हॉस्टल का नाम भी। चलो फिलहाल के लिए ना हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम टायर्ड हो गए थे जर्नी से। बेसिकली ना हमने ट्रेन में 2 नाइट्स और 1.5 डे गुजारे, ठीक है। और अभी जाके ना हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग कंटिन्यू करने की, तो अभी जाके मैं ठंडे पानी से नहाया तो अब मैं फ्रेश हो गया। शायद भाई आजा किधर कुछ खाएंगे कुछ। चलो सो गाइस यहाँ पे ना जुबैर भाई भी आ गया, तो बोल रहा है कि कुछ खाएंगे पहले, फिर जाके मिलता हूँ, फिर से जो भी एक्टिविटी होगी ना आज दिन की तो आपसे भी शेयर करूँगा। सुबह चेक कर लो कि यहाँ का डाइनिंग एरिया कैसा है, ये देख सकते हो
ब्रेकफास्ट में ये मिल गया, ये ना साउथ इंडियन डिश है। इसका मुझे डर था यहाँ से कि ना साउथ इंडियन फूड मिलेगा, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता साउथ इंडियन फूड। बेसिकली जब मैं तमिलनाडु गया था ना, तो वहाँ पे भी यही सब चीज़ें मैंने दी थी। मैंने पहले 6 दिन वहाँ पे कुछ खाया ही नहीं था कसम से। अब पता नहीं टेस्ट क्या होगा इसका, इसका टेस्ट अच्छा है। ये चेक कर सकते हो, ये ना कुछ चावल मिला के है इसके साथ, ये शायद इडली है कि क्या है। और ये दिया इन्होंने, ये सांभर है, ये साउथ इंडियन डिश है। चलो देखते हैं टेस्ट कैसा होगा इसका। अच्छा ही है, क्योंकि हम अभी ये ना खट्टा है, ये वाला अच्छा है व्हाइट कलर का। अब सांभर पी के देखते हैं सांभर में टेस्ट कैसा होगा। इसका टेस्ट ना टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन फूड। पता नहीं यार कैसे यहाँ पर रहेंगे। बेसिकली मैं ना वेट कर रहा था हैदराबादी बिरयानी को, अगर देखते हैं लंच के टाइम अगर वो मिली तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो पहले जाके ना मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर जाके मिलता हूँ तुमसे। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बस वो डोसा खाया और चटनी थी वाइट कलर की, वो उसी के साथ मैंने खाया थोड़ा बहुत, बाकी तो मैंने वहीं पर रखा सारा। बेसिकली आज सोच रहे थे कि पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर जाके ना नमाज पढ़ने के बाद लंच करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना पहले अभी इनॉग्रेशन होगी, मतलब इससे जो टूर था ना इसी का, तो फिर जाके उसे लंच भी खा रहे। चलो निकलते हैं यहाँ से। और ना इन्होंने बताया कि ट्रैक सूट लगा के आना, मेरे पास तो लोअर नहीं है, मेरे पास खाली अपर है, अपर मैं डालूँगा तो फिर निकलेंगे। चलो निकलते हैं। यहाँ पे ना 6 डिस्ट्रिक्ट कदम आ गए हैं, एक तो श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, पुलवामा, और भी दो कोई डिस्ट्रिक्ट है वो मुझे पता नहीं है। लग रहे हैं यहाँ पे सभी जमा हो गए। यहाँ पे हम पहले नमाज पढ़ेंगे, आज जुम्मा है, तो फिर जाके ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसने आ गए, इसमें हमें मिला है एक तो चपाती, दो मैंने लाई और पता नहीं ये क्या है। और यहाँ पे सब्जी मिक्स वेज मिला है, और ये रही चटनी, ये रही दाल, ये लड्डू एक मिला, और ये जीरा राइस है। शुगर टेस्ट बहुत ज्यादा है, ऑडिटोरियम प्रेजेंटेशन कैसी है ये चेक कर लो। वो विल सेट दिया ऑडिटोरियम में, सुपर ऑसम। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, बाकी जो पढ़ना होगा तो पढ़ लो। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया था, मैं बताऊंगा ये हॉस्टल जो है कहाँ पर। बेसिकली हम ना यहाँ स्टे कर रहे हैं कॉरपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि राजेंद्रा नगर हैदराबाद में है। इनॉग्रेशन हो रही है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की, इसे चेक कर लो। यहाँ पे ना दिया जलाए गए, ये जो है ना MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये राज्यसभा का मेंबर है।
है, कश्मीर का बंदा है। ये प्रोग्राम की कौन है स्टार्ट करेंगे तिलावत कुरान के साथ। रहमतुल्लाहि व बरकातहु। औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे ना एनसीसी के जिसको देखे ना, मेरा जो टेन्योर था ना एनसीसी में 7 साल का, उन्हें पूरा याद आ गया कसम से। एनसीसी के अभी ना शायद जो हमारा टीम लीडर है वो गया है स्टेज पे कुछ प्राइजेस लेने गया है। देखते हैं आप क्या मिलता है हमें। बड़गाम बड़गाम के लिए जो प्राइज वो मिला है। गाइस देखो जो इंटरव्यू का सेटअप है वो कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये कैमरा मैन है और ये लाइट है। अब दूसरा कोई बंदा आएगा। जब हमें यहाँ पे इन्होंने वेलकम किया ना, हमें ये वाला बैग भी मिल गया। ये देखो इसमें ना पेन, नोटबुक और बुक एक है। तो यस, सो बाय द वे गाइस, अभी मैं हॉस्टल की बिल्डिंग के टेरेस पे आ गया। यहाँ से आप पहले देखो व्यू कैसा है। अभी ना बस अंधेरा होने वाला है, ये चेक कर लो यहाँ से व्यू कैसा है। वहाँ से भी देख, वहाँ पे यहाँ पे ना एक फेमस ब्रिज है, वहाँ भी हम कोई लेंगे एक दो दिन के बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से ना अब इस व्लॉग को यही भी फुल स्टॉप लगा देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा मत। साथ ही अगर आप में से कोई चैनल पर नया जुड़ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आप ये व्लॉग फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। आई विल सी यू ऑन द व्लॉग। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप स्प्रेडिंग लव विद ईच अदर। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।